नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन से हर कोई व्यक्ति परेशान है। फंगल इन्फेक्शन अगर पूरी बॉडी पे है तो क्रीम कहाँ कहाँ लगाए और कितनी लगाए, इसकी प्राइस भी ज्यादा है, कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है मेडिकेशन की। तो ऐसे में आप लुली केयर सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉर्मल या फिर साधारण सोप इस्तेमाल करते हो तो फंगल इन्फेक्शन जरूर फैलेगा। टीनिया वर्सिकुलर के इलाज में ये बहुत ही फायदेमंद है। स्किन के फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, ये 75 ग्राम की सोप है, जेनरिक है, जिसका कंटेंट है लुलिकोनाजोल। बहुत ही सुपर ऐसा इसका रिजल्ट है। इस्तेमाल करने के तुरंत 3 दिन के भीतर आपका फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा। ये 75 ग्राम की सोप आपको मिलेगी 270 रुपीज में। ये प्राइस थोड़ी ज्यादा है, मगर ये जेनरिक मेडिसिन है, जेनरिक क्रीम है, मेडिकेटेड सोप है, कम रेट में आपको केमिस्ट द्वारा मिल सकती है, जेनरिक स्टोर्स में आप इसे खरीद सकते हो। रिजल्ट में बेमिसाल है। दोस्तों, स्किन के पीएच से एग्जैक्टली मैच होता है। जो आपकी नॉर्मल स्किन है वो पीएच से जो है ये पीएच से मैच करता है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड ऐसे एंटी फंगल मेडिकेटेड सोप है। अगर आप दांत खाद खुजली, जॉकिच, ईचिंग, वजनल इन्फेक्शन, वजनल ईचिंग से परेशान है, पूरे बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन है, और इसके साथ साथ अगर आप इट्राकोनाजोल कैप्सूल इस्तेमाल करते तो बहुत फायदा होगा। दोस्तों, एंटी फंगल एंटी ईचिंग सोप है, ये सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए। लगाने का सही तरीका आपको मैं बताता हूं। ये सोप जो है मेरे हाथ में आप देख रहे, ये सोप आपको पूरे बॉडी पे लगाना है, अच्छी सी झाग तैयार करनी है, इसका सूखने तक इंतजार करें। यानी कि अगर आप बाथिंग कर रहे हो, नहा रहे हो, तो इसे लगाए, अच्छी तरह से लगाए, 10 मिनट रुक जाए, 5 मिनट रुक जाए, सूखने के बाद पूरा बॉडी को फिर से वेट करे, गीला करे, साफ कर दे, 3 दिन के अंदर आपकी इचिंग तो रुक जाएगी। सफेद सफेद पाउडर जैसा जो भी फंगल इन्फेक्शन है वहां से निकलेगा। स्किन फ्रेंडली है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, सेफ है, इफेक्टिव है। सिर्फ खुली जख्म पे अप्लाई ना करें। हर व्यक्ति अगर एक ही घर में 2-3 पेशेंट है तो अलग अलग से सोप इस्तेमाल करें। अगर आपको वीडियो दी हुई जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।